अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? आज का हमारा लेसन है कंपेयरिंग नंबर्स का, यानी कि नंबर्स को कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, सपोज पहला नंबर है 4 और दूसरा हम ले लेते हैं 2। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, इन दोनों नंबरों की आपस में तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है, अगर हम 4 नंबर लें ना, तो हो सकता है 4 या तो 2 से बड़ा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि, और बड़े का जो है ना, वो जो सिंबल है या साइन है ना, वो ये वाला यूज़ होता है, इस तरह का। जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है ना इस सिंबल का, वो चीज़ बड़ी होती है, यानी 4 ग्रेटर देन हो सकता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। दूसरे ऑप्शन में 4 जो है उससे छोटा हो सकता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेस देन। और लेस देन के वक्त क्या होता है कि यहाँ से जो बंद साइड है ना इस सिंबल की, ये वाली साइड उस नंबर की तरफ होती है जो छोटा होता है। और तीसरी बात क्या हो सकती है कि दोनों नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं, और इक्वल का जो साइन होता है वो ये होता है, दो छोटी छोटी लाइनें लगी होती हैं ऊपर नीचे, ये वाली। तो अभी 4 जो है हमारे पास जो है उसको हम, 4 कितना होता है भला, ये शो करने के लिए मैं आपके सामने जो हूँ वो 4 लाइन्स लगाती हूँ। आप हाथ की उंगलियों पर भी देख सकते हैं, ये जो है ना 4 लाइन्स है, 1, 2, 3 एंड 4। और 2 के लिए कितनी लाइंस होंगी? 2 लाइंस, यानी कि 1 और 2। ठीक है, तो अब इन दोनों में से आपको कौन बड़ा नज़र आ रहा है? ये 4 बड़ा है ना, तो 4 क्या है? 4 इज़ ग्रेटर देन 2, और ग्रेटर देन का हमारा सिंबल होगा ये। जिस साइड पे इस सिंबल का ये मुंह खुला हुआ होता है ना, वो नंबर बड़ा होता है। तो अब इसको देख के क्या पता चल रहा है हमें कि 4 जो है वो 2 से बड़ा है, है ना, 4 इज़ ग्रेटर देन 2। तो नेक्स्ट हम कुछ नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे। अब हमारे पास कुछ नंबर्स है, ठीक है। सबसे पहला दो नंबर्स हम कंपेयर कर रहे हैं, वो है 2 और 3। तो इस दफ़ा हम ना लाइनें नहीं लगाएंगे, इस दफ़ा हम कैट्स रख लेते हैं। तो 2 के लिए कितनी कैट्स होंगी? 2 के लिए होगी 1 और 2 कैट्स, और 3 के को शो करने के लिए हम 3 कैट्स ले आते हैं, 1, 2, 3। तो इन दोनों में से कौन सी कैट्स ज़्यादा है? ये वाली ज़्यादा है ना, इसका क्या मतलब है? 3 2 से बड़ा है। तो कैसा सिंबल लगाएंगे? वो जो सिंबल है ना, उसका मुंह 3 की साइड पे खुला हुआ होगा, ये अभी 3 की तरफ मुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, या ये हम ये भी कह सकते हैं 3 जो है वो 2 से बड़ा है, या 2 इज़ लेस देन 3, 2 3 से छोटा है, यानी 2 3 से छोटा है। नेक्स्ट है हमारे पास 5 और 0। तो 5 के लिए हम कैट्स लेके आते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कैट्स हैं, और 0 क्या होता है? 0 होता है नथिंग, 0 के केस में कोई कैट नहीं है। तो इसमें क्या होगा? 5 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 में तो कोई कैट है ही नहीं। तो अब इसकी जो सिंबल है, इसकी जो मुंह है, वो 5 की साइड पे खुला हुआ है, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 0। अब दूसरे दो नंबर हैं 2 और 2, दोनों जो बिल्कुल एक जैसे हैं। 2 के लिए 2 कैट्स आ गई, 2 कितना होता है? 2, और ये 2 के लिए भी 2 कैट्स आ गई। तो ये दोनों बिल्कुल बराबर है ना, इस 2 की भी 2 कैट्स हैं, इसकी भी 2 कैट्स हैं, यानी जो नंबर 2 और 2 आपस में इक्वल हैं। हर नंबर जो है ना, वो अपने आप के इक्वल होता है, उसके बराबर होता है, उर्दू में इसका मतलब है उसके बराबर है। लास्ट हमारी एग्जांपल में हमारे पास है, एक कैट आ गई 1 के लिए, और दूसरा नंबर 6 के लिए जो है 6 कैट्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6। तो कौन सी कैट्स ज़्यादा है? 6 वाली। तो हम कहेंगे 1 इज़ लेस देन 6 और 6 इज़ ग्रेटर देन 1। जो नंबर बड़ा होगा ना, उसकी तरफ ये वाला सिंबल का मुंह खुला होगा, आपने सिर्फ ये याद रखना है, सही है। तो ये थे हमारे सिंगल डिजिट नंबर, यानी कि अकेला अकेला नंबर था ना, उसमें मैंने आपको समझा दिया। अगर अभी हमारे पास एक नंबर है 14 एक डबल डिजिट नंबर है, इसमें 1 भी है और 4 भी है, दो डिजिट से। तो अगर डबल डिजिट नंबर होंगे तो क्या होंगे? अगर डबल डिजिट के साथ कोई सिंगल डिजिट नंबर होगा ना, तो डबल डिजिट नंबर हमेशा सिंगल डिजिट नंबर से बड़ा होगा, सही है। ये वैसे भी आपको पता होगा, लेकिन याद भी रख सकते हैं कि डबल डिजिट, जिसके डिजिट्स ज़्यादा होते हैं ना नंबर के, वो नंबर बड़ा होते हैं। लेकिन अगर दोनों डबल डिजिट्स नंबर हों, अभी तो 14 ग्रेटर है ना 9 से बड़ा है, अगर दोनों डबल डिजिट नंबर्स हों, तो एक है हमारे पास 14
और दूसरा है 17। अब इसमें से कौन बड़ा होगा? तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहला जो होता है ना, अगर दोनों एक जितने यानी दोनों डबल डिजिट नंबर्स हैं ना, तो जो सबसे राइट साइड वाली लेफ्ट साइड वाली प्लेस है ना, टेंस प्लेस, उसको सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, जैसे पहले प्लेस वैल्यू दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। ये 14 में 4 वन्स प्लेस पे है और 1 जो है वो टेंस प्लेस पे है। ठीक है, तो हमने कौन से नंबर को पहले कंपेयर करना है? जो टेंस प्लेस पे नंबर है, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे नंबर है। तो लेफ्ट साइड कौन सी होती है? ये आपका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, जो नंबर की ये वाली साइड है ना, पहले आपने वो कंपेयर करनी है। तो पहले हमें इसकी इस नंबर की इस साइड 14 की इस साइड पे 1 है और 17 की इस साइड पे भी 1 है। ये तो दोनों सेम हो गए, ये 1 1 तो आपस में बराबर होते ना। लेकिन इसके बाद अगर ये दोनों सेम आ गए ना, तो हम फिर दूसरा जो वंस प्लेस वाला नंबर है ना, उसको कंपेयर करेंगे 4 को 7 से। तो ये हमें पता है कि 7 जो है वो 4 से बड़ा है, तो इसलिए 17 जो है वो 14 से बड़ा होगा। तो सिंबल कैसे आएगा? ये 17 की साइड पे इसका मुंह खुला हुआ होगा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 14 और 21। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जब डबल डिजिट नंबर हों या जो जितने डिजिट नंबर भी हों, अगर दोनों जो हैं वो सेम नंबर है, यानी 14 में भी डबल डिजिट नंबर है और 21 में भी डबल डिजिट, यानी दो दो डिजिट हैं, तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो चूँकि 2 1 से बड़ा है, तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये वाला नंबर बड़ा है, क्योंकि टेंस प्लेस पे यहाँ पे बड़ा नंबर आया हुआ है। तो हम अपना सिंबल जो है वो 21 की तरफ मुड़ के लगा देंगे। 21 इज़ ग्रेटर देन 14। नेक्स्ट एग्जांपल में 14 और है 60। तो ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, सबसे पहले हम टेंस प्लेस वाला नंबर कंपेयर करेंगे। तो उसमें है, एक में है 1 और एक में 6, तो 6 1 से बड़ा है, तो इसलिए पूरा नंबर जो है वो 6 वाला नंबर जो है वो बड़ा है 14 से। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास आ गया 14 और 10। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेंस प्लेस वाला जब नंबर कंपेयर करते हैं ना, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये तो सेम है। इसके बाद जब ये सेम आ गया ना, तो हम नेक्स्ट नंबर पे चले जाते हैं। वंस प्लेस पे ये 4 है और ये 0 है, तो 4 चूँकि बड़ा है, इसलिए ये पूरा नंबर इससे बड़ा हो गया। तो क्या हो गया? 14 इज़ ग्रेटर देन 10। तो 14 बड़ा है, तो सिंबल को हमने 14 की तरफ मुँह खोल के रख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। तो अभी हमने किया था ना डबल टू डिजिट नंबर्स किए थे, तो अभी हम 3 डिजिट नंबर कर लेते हैं। तो सबसे पहले है 114, जिसमें 3 डिजिट्स हैं, ये 1 2 और 3, और उसको हम 99 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो 99 में तो है ही 2 डिजिट्स, इसमें 3 है, तो इसका मतलब है ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, ये उससे हो गया बड़ा। नेक्स्ट हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं वो हैं 234 और 117। तो ये दोनों में जो है ना, वो 3 3 डिजिट है, 1 2 3 और 1 2 3, तीनों में, दोनों में जो है वो 3 3 डिजिट्स है ना। तो अब इनकी हम प्लेस वैल्यू कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमने क्या कहा था कि हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे। लेफ़्ट साइड पे ये कौन सी प्लेस है, ये मैं आपको यहाँ पे रिवाइज़ करा देती हूँ। अभी हमने ऊपर किया था ना 114 का जैसे किया था, तो अगर 14 के साथ हम 2 लगा दें, तो ये हंड्रेड्स प्लेस हो जाएगी। ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड्स प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 234 में ये 200 प्लेस पे है और 117 में 100 प्लेस पे है। तो सबसे पहले हम 2 और 1 को कंपेयर करेंगे। तो कौन बड़ा है इन दोनों में से? 2 बड़ा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये पूरा नंबर इससे बड़ा होगा। तो हमारा सिंबल फिर इसी शेप में आएगा, 234 की तरफ मुड़ा हुआ आएगा ऐसे। नेक्स्ट 2 नंबर से हमारे पास 641 और 299। इसमें भी हम पहले हंड्रेड प्लेस या जो लेफ्ट मोस्ट नंबर है उसको कंपेयर करते हैं। 6 और 2 को कंपेयर करें तो 6 बड़ा है 2 से, तो पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट में 114 को 600 से कंपेयर करेंगे, तो सेम इसी तरह हंड्रेड प्लेस वाले को 100 प्लेस वाले से कंपेयर करें, तो 1 जो है वो 6 से छोटा है, तो ये 6 वाला जो है नंबर बड़ा होगा। तो इसको क्या हम लिखेंगे? 114 इज़ लेस देन 600। तो ये नंबर ऐसा सिंबल आ जाएगा जो 600 की तरफ उसका मुंह खुला हुआ है। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जांपल है 999।
और दूसरा नंबर है 998। तो इसमें सबसे पहले हम हंड्रेड्स प्लेस को कंपेयर करेंगे, ठीक है। इधर 9 है, इधर भी 9 है, ये तो दोनों सेम है। तो हम नेक्स्ट प्लेस पे चलेंगे, यानी टेंस प्लेस पे चलेंगे। ये 9 है, ये भी 9 है, ये भी सेम है। तो हम फिर नेक्स्ट वंस प्लेस पे चलेंगे, तो इसमें 9 है और इसमें 8 है। तो ये हमें पता है कि 9 8 से बड़ा होता है, इसलिए 999 जो है वो 998 से बड़ा होगा। तो ये ग्रेटर देन का सिंबल हम लगा देंगे, ठीक है। ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने नंबर को कंपेयर करना सीखा है। आपने घर के किसी बड़े के साथ वीडियो देखनी है और अच्छे से ये वाले कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, ठीक है, और नंबर्स को कंपेयर करने की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेसन में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।